गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का जीके और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर 7। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 8, प्रेइंग प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल प्रे ऑन इंसेक्ट, मीन्स ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन की कमी मीन्स जिसमें ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं, मीन्स इंसेक्ट खाते हैं। तो द वे दे फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन, उससे क्या करते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करते हैं। हेयर आर सम प्रेइंग प्लांट्स, यहाँ पे कुछ प्रेइंग प्लांट्स हैं। आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प सून। हमें क्या करना होगा, जो भी उनके बारे में दिया हुआ है उनसे उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे उनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है, दिस प्लांट लुक्स लाइक अ कोबरा अबाउट टू स्ट्राइक इट्स प्रे एट द माउथ ऑफ इट्स ट्रैप, अ स्वीट नेक्टर इज प्रेजेंट विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो इसका होगा कोबरा लीली, इसमें हम लोग फिल करेंगे कोबरा लीली। यहाँ हेल्प जोन में दिया हुआ है कोबरा लीली, तो कोबरा लीली हम लोग फर्स्ट में फिल करेंगे। सेकेंड दिया हुआ है, इट हैज़ सम स्केयरी लुकिंग ट्रैप्स ऑन द एज ऑफ इट्स लीव, एज सून एज एन इंसेक्ट लैंड ऑन द लीफ द ट्रैप क्लोज स्विफ्टली एंड द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड। तो सेकेंड का है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप ये दिया हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप इसको हम लोग सेकेंड में फिल करेंगे। थर्ड दिया हुआ है, इट इज़ अ वाटर प्लांट विथ स्मॉल ब्लैडर, एज एन इंसेक्ट टच द ट्रैप इट फ्लाइज ओपन लेटिंग द वाटर अलॉन्ग विद द इंसेक्ट टू रश इन। थर्ड का है ब्लैडर वर्ट, थर्ड का है ब्लैडर वर्ट। फोर्थ है, इट इज शेप्ड एज अ पिक्चर विथ अ डीप कैविटी फिल्ड विथ लिक्विड एट द बॉटम, when an insect falls into the pitcher it cannot climb up the smooth wall of the cavity and it's consumed by the plant। ये है pitcher plant, यहाँ पे दिया हुआ है pitcher plant, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे pitcher plant। fifth दिया हुआ है, the leaves of this plant are covered with tentacles which have sticky liquid, as an insect comes and sit on any tentacle the other bend and trap the insect। fifth का है sundew, fifth का है sundew। फिर हम लोग sixth देखेंगे, this plant has sticky hair on its leaf that attracts insect, when an insect make contact with this sticky liquid the leaf stirs and slowly fold around its victim। sixth का है butterwort, सिक्स्थ का है बटर वर्ट, सिक्स्थ में हम लोग लिखेंगे बटर वर्ट। सेवेंथ दिया हुआ है, दिस प्लांट कंटेन अ चैम्बर दैट इज ईजी टू एंटर बट इम्पॉसिबल टू एग्जिट बिकॉज ऑफ इनवर्ड पॉइंटिंग ब्रिस्टल्स दैट फोर्स द प्रे टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे जेनलीसिया, इसमें हम लोग फिल करेंगे जेनलीसिया, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 8। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। आप चैप्टर 8 को बुक में फिल कर लेंगे और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, मिरेकल ऑफ नेचर है चैप्टर। दिस प्लांट पोजेस ग्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड जंबल द जंबल वर्ड्स एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट। ये सारे जो प्लांट्स हैं इनकी कुछ बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये अनजंबल हैं मीन्स, और इनको जंबल वर्ड में हमें करना है राइट द नेम ऑफ द प्लांट। तो हमें प्लांट का नाम लिखना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, डैश इज रिच इन विटामिन ए एंड सी, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग कलर इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन इंक्स शैम्पूज एंड हेयर ऑयल्स, इट्स शैम्पूज एंड हेयर ऑयल्स आर ट्रेडिशनली बिलीव टू नरिश द हेयर एंड स्कैल्प एंड प्रिवेंट प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये है आमला, यहाँ पे लिखेंगे आमला, AMLA आमला। सेकेंड है, डैश इज ईजली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया,
इट इज़ यूज टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर्स लेप्रोसी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज मीन्स ये किसके लिए यूज़ किया जाता है नर्वस डिसऑर्डर को सही करने के लिए लेप्रोसी के लिए और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए तो ये है अश्वगंधा यहाँ पे लिखेंगे अश्वगंधा AshwagandhA अश्वगंधा फिर थर्ड है इट इज़ बिलीव दैट डैश हैज़ रिजुवेनेशन पावर इट हेल्प पीपल टू स्टे यंग ये यंग रखने में लोगों को हेल्प करता है द सैप ऑफ दिस प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स फॉर ट्रीटिंग बर्न्स मीन्स जो भी बर्न्स हैं उनको ठीक करने के लिए एज अ मेडिसिन ये काम करता है इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है तो ये है एलोवेरा यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे एलोवेरा AlovEra एलोवेरा फोर्थ है डैश इज मेनली यूज एज अ डाइट्री फाइबर विच हेल्प्स इन क्लियर बोवेल मूवमेंट बाय नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स इंक्लूजन टू डाइट ऑल्सो लीड टू कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन हिंस ये क्या करता है डाइट्री फाइबर इसमें होता है जो कि हमें क्लियर करता है बोवेल मूवमेंट जो कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ हो जाती प्रॉब्लम तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसका हम लोग यूज़ करते हैं और इसको एज अ डाइट भी यूज़ करते हैं ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल में रहे तो ये क्या है इसब गोल यहाँ पर लिखेंगे इसब गोल ISABGOL इसब गोल फिर फिफ्थ दिया हुआ है द डैश आर रिच इन विटामिन ए एंड कैल्शियम दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग इसमें क्या होता है बहुत सारे विटामिन और कैल्शियम होते हैं और इसके लिए यूज़ किया जाता है डायरिया और वॉमिटिंग को सही करने के लिए दे आर पेस्ट कैन बी अप्लाइड टू स्किन इरप्शन एज एन एंटीसेप्टिक के तरह इसको यूज़ किया जाता है ये क्या है करी लीव्स ये है करी लीव्स तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग करी लीव्स CURRY करी LEAVES लीव्स करी लीव्स फिर सिक्स्थ दिया हुआ है द डैश इज यूज एज अ रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग एंड इचिंग ये किसके लिए यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए ब्लीडिंग इचिंग हेपेटाइटिस डिप्थेरिया और डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है इन चाइना इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रिस्ट्रोटिव हर्ब की तरह चाइना में यूज़ किया जाता है विच सपोर्ट द माइंड नर्व लीवर एंड आइज इन सब चीज़ों के सपोर्ट के लिए किया जाता है तो ये क्या है ये है भृंगराज यहाँ पे लिखेंगे भृंगराज BHRINGRAJ भृंगराज तो ये था हमारा चैप्टर 9 आप लोग इसे बुक में फिल कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे